आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, तुम्हारा क्वेश्चन है द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑल इन फ्री फॉल। क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, यानी कि ये पूछिए कि ये स्टेटमेंट जो है हमें गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। फ्री फॉल का क्या मतलब होता है, पहले फ्री फॉल को समझ लेते हैं। फ्री फॉल का मतलब नो रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। जब आप किसी सरफेस पे खड़े होते हैं आप फ्री फॉल नहीं कर रहे होते हैं। क्यों? उसका एक ही रीजन है, बिकॉज देख लेते हैं, ये लेट्स से ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये मास m है। ये इसको हम क्यों नहीं बोल रहे फ्री फॉल पे है, क्यों? क्योंकि इस पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, जो कि सरफेस लगा रहा है, राइट? इसमें एक सरफेस लगा रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ हमेशा लगाती है वो तो लग ही रहा है इसके सेंटर ऑफ मास पे fg, जिसकी वजह से हमेशा नीचे जाना चाहता है। लेकिन ड्यू टू दिस रिएक्शन फोर्स जो कि एकदम जैसे ये n है, तो fg इज इक्वल टू n, इसको बैलेंस करता है एकदम, तो इस रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स की वजह से हम कहते हैं फ्री फॉल नहीं हो रहा, ये स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर फ्री फॉल जब आता है उसका मतलब फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। इन फ्री फॉल ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, यानी कि वो बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रही है विद एन एक्सेलरेशन, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर अर्थ की बात है दैट एक्सेलरेशन इज अप्रोक्सीमेट जी, दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो तब हम बोलते हैं कि बॉडी फ्री फॉल हो रही है, यानी कि कोई और फोर्स लग नहीं रहा। पर अगर हम यहाँ देखें मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑल इन फ्री फॉल, तो मून जो है वो फ्री फॉल में कैसे है अर्थ के अराउंड? लेट्स से ये अर्थ है, राइट, अर्थ, और ये है हमारा मून। लेट्स से इसे मून बना लेते हैं यहाँ पे मून। तो ये मून फ्री फॉल में कैसे है? क्यों? क्योंकि इस पे अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एफ जी, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा मून पे। और जैसे ये मून अगर लेट्स से इस तरह मूव कर रहा है ना, तो उसका मतलब ये है अर्थ का कर्वेचर भी उतना ही मूव हुआ है जितना ये मून नीचे को गिरा है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये मून है, ये मून अगर ये हमारा फ्री फॉल हुआ है लेट्स से 1 मीटर्स, राइट, तो अर्थ का कर्वेचर भी उतना ही वर्टिकली नीचे मुड़ चुका है 1 मीटर्स। जैसे ही 1 मीटर और गिरेगा अर्थ का कर्वेचर और 1 मीटर मुड़ चुका होगा, एंड दैट इज वाई इट विल कीप रोटेटिंग अराउंड द अर्थ। ये फ्री फॉल में तो हमेशा है लेकिन ये कभी गिर नहीं रहा अर्थ की तरफ। क्यों? क्योंकि जितना ही नीचे गिर रहा है उतना अर्थ का कर्वेचर मुड़ जा रहा है, and that is why we say, and moon अगर natural satellite है तो artificial satellites भी ऐसे ही work करती हैं, वो भी free fall में होती हैं, but वो कभी गिरती नहीं। why? क्योंकि वो जितना नीचे गिर रही हैं, जितना free fall distance हो रहा है, उतने ही time में उतना ही distance earth curvature कर ले रही है, and that is why they never touch the surface of the earth, but they are always in free fall, because उनपे सिर्फ gravitational force लग रहा है, कोई normal force लग ही नहीं रहा, and that is why इसका answer is true. True is the correct answer, and moon and artificial satellites are all in free fall. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा। आज ही download करें DoubtNet app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400 400 400 पर।